हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? नई रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है नई जगह से। एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की डिटेल आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इस वैकेंसी में सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। बाकी सारी डिटेल वीडियो में कवर करते हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। फर्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए, नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, उसके बाद देखो फ्रेंड प्रोफेसर की वैकेंसी है साइकोलॉजी में, उसके बाद नेक्स्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है मास कम्युनिकेशन इस सब्जेक्ट में, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी सब्जेक्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन, उसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस में, असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में, उसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, और उसके बाद लाइब्रेरियन। इन सारे सब्जेक्ट के लिए फ्रेंड ये वैकेंसी है। अभी देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया, एज पर UGC नॉर्म मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क और इक्विवेलेंट एंड मिनिमम 50% मार्क इन द UG इन द प्लस टू एंड UG लेवल। तो फ्रेंड आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए, और बैचलर डिग्री में फ्रेंड आपके कितने परसेंट होना चाहिए, 50% मार्क होना चाहिए, और फ्रेंड आपकी PhD होनी चाहिए साइकोलॉजी में। उसके बाद फ्रेंड सैलरी की बात करें तो सैलरी फ्रेंड आपको 57,700 पर मंथ इतनी मिलेगी एकेडमिक लेवल 10 के हिसाब से। और उसके बाद साइकोलॉजी प्रोफेसर की वैकेंसी है, इसमें क्या क्या बताया है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, 55% मार्क होनी चाहिए मास्टर डिग्री में, और 50% मार्क होनी चाहिए आपके UG में, ठीक है, और PhD होना चाहिए फ्रेंड। उसके बाद क्या बताया है, मिनिमम 10 पब्लिकेशन पीयर रिसीव्ड और UGC लिस्टेड जर्नल। एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड आपके पास टीचिंग का, और उसके बाद आपका नेट सेट होना चाहिए। गाइडिंग PhD MPhil स्कॉलर आर हाईली डिजायरेबल। साइकोलॉजी प्रोफेसर इस वैकेंसी में सैलरी आपको कितनी मिलेंगी, 1,44,200 पर मंथ इतनी मिलेंगी एकेडमिक लेवल 14। बाकी अदर पोस्ट की भी यहाँ पे दी हुई है फ्रेंड, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फ्रेंड ये वैकेंसी कहाँ से आई है, सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी कोलकाता से आई है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फ्रेंड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको अलाउंस भी मिलेगा, देयर विल बी हाउस रेंट अलाउंस 12% अप टू मैक्सिमम लिमिट 12,000, DA 3% एंड अदर अलाउंसेस एज एडमिशन। इस वैकेंसी को अप्लाई करते वक्त फ्रेंड यहाँ पे एज लिमिट बताइए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज 50 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया, अपर एज लिमिट फॉर एसोसिएट प्रोफेसर मे बी रिलैक्स अप टू 55 ईयर एक्सपेशनली क्वालिफाइड कैंडिडेट। फ्रेंड आपके पास अच्छा खासा अगर एक्सपीरियंस है ना तो ये रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है 50 to 55 ईयर, ठीक है। और उसके बाद प्रोफेसर और लाइब्रेरियन के लिए कितना बोला है, 55 ईयर का आपकी एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी बात करते हैं इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। इस वैकेंसी को फ्रेंड आपको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है, और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, 30 अक्टूबर 2022 5 बजे से पहले फ्रेंड आपको अप्लाई कर देना है ऑनलाइन। और क्या बताया, अप्लीकेंट नीड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन एंड सेंड इट टू द रजिस्टर अलॉन्ग विद ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। फ्रेंड ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको ऑनलाइन प्रिंट, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा ना उसके आपको प्रिंट निकालनी है, उसके बाद आपके पास जो जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है ना, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नेट का सर्टिफिकेट होगा तो आपके पास उनका सबका आपको सेट बना के सेंड कर देना है। और कब तक सेंड कर देना है फ्रेंड, 5 नवंबर 2022 तक आपको सेंड कर देना है, और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2020। और सेंड कैसे करना है फ्रेंड, आपको पोस्ट रजिस्टर पोस्ट कुरियर, कुरियर के माध्यम से आपको सेंड कर देना है, नो हैंड डिलीवरी, सिर्फ फ्रेंड आपको स्पीड पोस्ट से ही सेंड कर देना है। और सेंड कहाँ पे करना है, यहाँ पे फ्रेंड एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। और फ्रेंड जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू कब होगा ये बताया जाएगा। वे ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कौन से पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट है, ये पूरा रजिस्ट्रेशन करना है फ्रेंड। उसके बाद एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, वो फॉर्म आपको फिल करना है, उसकी प्रिंटआउट निकालनी है, और प्रिंटआउट आपको 5 नवंबर तक कॉलेज एड्रेस पे सेंड कर देना है। फ्रेंड अभी चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है। फ्रेंड हम कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, और फ्रेंड यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है,
और फ्रेंड यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट नोटिस, यहाँ पे आपको रीड मोर पे क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करते हो ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म फिल करने से पहले फ्रेंड आपको इसे अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ लेना है फ्रेंड। वैकेंसी के रिलेटेड फ्रेंड अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बस फ्रेंड इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर